ओके तो यार आ चुके एक वीडियो के साथ वापस। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई आप बताओ भाई एटलीस्ट हिंट दो कि कब तक आ सकता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अब देखो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि वो कब तक आएगा, लेकिन जो एक हिसाब से जो पबजी मोबाइल हिंट चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जून के फर्स्ट स्टेज में आ सकता है। फर्स्ट स्टेज होती है भाई 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, एंड एक हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो 3 स्टेज में एक मंथ को, 1 से लेकर 10 तारीख की पहली स्टेज, दूसरी स्टेज वैसे 20 तारीख की, और तीसरी जो है 30 से 31 तारीख की। तो फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल सकता है, इसके हिंट भी पबजी मोबाइल ने दिए हैं। देखना ये होगा कि भाई कब तक मिल पाता है। फिलहाल मिलिट्री बेस उतरा हूँ और यहाँ पे जैसे मेरे को गन मिली तो मैंने इन लोगों को रश कर दिया। अब क्योंकि मैंने बाहर एक बंदे को नॉक कर दिया था तो वो वापस अंदर चला जाता है और रिवाइव होने लगता है, पर मेरे को पता था वो रिवाइव हो रहा है और इसका बंदा जो है यहाँ पे कवर भी नहीं दे रहा था, तो मतलब वो उसको पक्का रिवाइव कर रहा है। फिर भी मैंने ज़्यादा देरी नहीं करी और घुस के जो है इन दोनों बंदों को मार दिया। और वो वाला बंदा जो है वाकई में मैं समझ गया था, जब कोई बंदा जो है अटैक नहीं करता आप पे मतलब वो ऑब्वियसली बिजी है रिवाइव करने पे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं और ये वाली बिल्डिंग वाले बंदे बेचारे कहीं बाहर को भाग रहे थे। अब यहाँ पर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, बिल्डिंग काफ़ी लंबी है तो एंगल ट्राई करते हैं। मैं एंगल ढूंढने के लिए ये वाली बिल्डिंग में आया और देखो काफ़ी इजीली मारा ये वाली टीम को। वैसे यहाँ पे एक और टीम थी जिनको मारने के लिए ये लोग जा रहे थे, मैं वेट कर रहा था लेकिन ये बेचारे जो है मेरे रास्ते में पकड़े जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आया इसको लूटने के लिए, तभी मेरे पीछे से ना एक बंदा भागा। अब वो भागा तो मेरे जस्ट मेरे को उसको मारने के लिए आया मैं यहाँ पे, लेकिन तब तक वो देखो वो बिल्कुल जाता हुआ दिखा मेरे को। अब उसका पीछा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ये एक के बदले 2 बंदे दिखते हैं मेरे को, एक तो सामने दिख रहा है दूसरा भी। और यार यहाँ पे जिस बंदे ने जो बंदा मेरे को पहले दिखा था मैंने उस पर फायरिंग तो करी, लेकिन दूसरा बंदा झट से निकल के उसको कवर देने आ गया था तो मैंने पहले उसी को फिनिश मतलब नॉक कर दिया और जाके पहले उसको फिनिश भी करूँगा मैं यहाँ पे। अब देखो काम थोड़ा आसान था यहाँ पे क्योंकि उसका भी एक बंदा बचा हुआ था, मैं भी एक ही बंदा था, सो 1v1 यहाँ पे जो है दोनों का मतलब एक हिसाब से कह सकते हो सीन बढ़िया था। अब मैं यहाँ पे ना फ्लैंक कर जाता हूँ पूरा का पूरा, इस वाली जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने सोचा कि शायद उस बंदे को पता नहीं होगा, उसकी मुंडी तो दिख रही थी मेरे को, लेकिन यार यहाँ पर ना उसको मैं मार नहीं पाया क्योंकि वो पीछे की तरफ चला जाता है। अब मैंने सोचा काम करते हैं, मैं ये वाली साइड से जाता हूँ और बिल्कुल उस बंदे को ऐसे दिखाते हुए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है ताकि वो मेरे पे अटैक करे। और जैसे उस बंदे ने मेरे पे अटैक किया, काफ़ी इजीली मारा ये वाले बंदे को। हालांकि मेरी उजी में जो है बुलेट ज़्यादा बची नहीं थी, बट फिर भी मैंने जो है थोड़ा सा रिस्क लिया और एन मोमेंट पर मैंने जो है चेंज कर दिया अपनी गन और उस बंदे को पेल दिया। फिलहाल यहाँ पर ना गाड़ी क्लोज ही मिल जाती है मेरे को और मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर एक बंदे ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा था। और देखो ये बंदा ना पहले घबरा गया, मतलब मेरी गाड़ी से उतरने से पहले ये नीचे कूद जाता है, मतलब इसका मेन मोटिव तो नीचे कूदना ही था मेरे को लग रहा है। अगर ये मेरे से फाइट करने की भी ट्राई करता तो मेरे को मार देता क्योंकि मैं वहाँ पर ना सेटल नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखो भाई मतलब ये भी कोई छुपने की जगह जहाँ पे आदमी ना हिल सकता ना डुल सकता, मतलब काफ़ी एकदम फंसा फंसा सा रह जाता है। खैर इस बंदे को काफ़ी इजीली मारा मैंने, लूट वूट भी लेके मैं आ जाता हूँ बिल्कुल अपार्टमेंट्स में, और कहीं ना कहीं ना अपार्टमेंट में मैं ज़्यादा बार मरता हूँ और यहाँ पे मेरे को इस बार सर्वाइव करना था कि भाई इस बार तो नहीं मरूंगा मैं। खैर अब इस बंदे को मेरे को मारना था, मैंने नेट खींचा और पहला ही नेट देखो भाई बिल्कुल मेरे ऊपर ही गिर जाता है। हालांकि डैमेज उतना नहीं किया क्योंकि वो बाहर की साइड चला गया था और टकरा के अगर अंदर आ जाता तो फिलहाल इस बंदे को तो मैंने ज़बरदस्ती घुस घुस के मार दिया और अब भरत यहाँ से निकलने की। और फिलहाल मैं इस बंदे की भी सारी लूट वूट ले लेता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे ना मेरे को स्पोर्ट होते हैं कुछ और बंदे आई थिंक। अब वहाँ पे मैं उन बंदे के ऊपर रश करने जाता हूँ, लेकिन देखो मतलब मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से दूर क्या गया, ये न्यू बंदे आ गए यहाँ पे और देखो वहीं पर पेटी भी पड़ी हुई थी उस बंदे की। और भाई मतलब 1 मिनट के लिए अगर आप किसी बिल्डिंग को छोड़ो तो वहाँ पे कोई और आके रह लेता है। फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ एक और बंदा था और इसने बोला कि भाई मेरे से ज़्यादा किल करके देगा, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी किल करने के लिए ही आता हूँ पबजी में। खैर वो बंदा ना आते जो है नॉक हो गया, मैंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं होगा भाई बचाऊंगा तेरे को जरूर। खैर मैंने सबको छोड़ दिया, मैंने सोचा इसको बचाएंगे भाई, इसको बचाना जरूरी है। मैंने इसको बोला जल्दी से जल्दी कंटेनर के अंदर आ जा भाई वरना तेरे को कोई पील पूल देगा यहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले इस बंदे को रिवाइव दिया क्योंकि भाई बाहर तो काफ़ी खतरा होता था। मैंने इसको बोला भाई एक काम कर, मैं ना एक आधे बंदे को टपकाता हूँ और तू उसके ना लूट ले लेना, तब जाके अपन कंपटीशन करेंगे। और यहाँ पे इस बंदे के लिए एक बंदे को मैंने टपका दिया। अब उसके पास गन थी नहीं थी आई डोंट नो यार, बट फिर भी मैंने उसको टपकाया पूरा और एक हिसाब से आप कह सकते हो इसके लिए जो है गन का जुगाड़ तो मैंने कर दिया था, लेकिन किस्मत उसकी मतलब वहाँ पे गन ही नहीं थी भाई उस बंदे के पास, मतलब शॉट गन थी बस। अब इसको मारते देखो कैसे ऊपर चढ़ गया,
इस बंदे की किस्मत फिर से खराब, क्योंकि जो ये वाला बंदा ना इसके पास भी शॉटगन ही थी, इसलिए वो बेचारा ढूंढने आया था यहाँ पे। खैर इन दोनों को निपटाने के बाद अपन ने सोचा कि मतलब यहाँ पे भी कुछ बंदे उनको भी मारा जाए। और देखो भाई मैं बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता भाई, मतलब लकली सर्वाइव हो जाता मैं। और ये देखो अगेन, मतलब एक बिल्कुल पैनी एचपी पे बचाऊँ मैं, बिल्कुल पैनी एचपी में। फिलहाल यहाँ पे ना अब इस बंदे को मेरे को मारना था कुछ भी करके, मेरे पास ना बुलेट वुलेट बच नहीं रही थी, दोनों खत्म हो गई थी। मैंने फिर उसके क्रेट में से रिस्क विस्क लेके ले लिया, और इसके बाद ना मेरा टीममेट आगे चला जाता क्योंकि उसको भी किल करने थे यार। तो जैसे वो आगे गया तो देखो फिर क्या होता वहाँ पे, मैंने बाल बाल बचाया यार इस बंदे को। मेरी वेस्ट देखो पूरी तरीके से एकदम लाल हो चुकी है, और मेरी वेस्ट में ज़्यादा कुछ एचपी बची है नहीं, तो कुल मिला के मैंने इस बंदे को तो बचा दिया, बट काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत का सामना करना पड़ा मेरे को। बट इस बंदे के भी किल ऑलमोस्ट मेरे बराबर ही थे, क्योंकि मेरे भी कोई ज़्यादा किल नहीं थे। सो उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो है एक फ्लेयर चली हुई थी और ओपन में चली हुई थी भाई फ्लेयर, और दो दो टीमें आपस में लड़ रही थी। सो हमारे लिए तो कह सकते हो कि एक बेस्ट मौका था इन सबको मारने का। सो काफी दूर रोकी किल मेरा टीममेट ले गया था, और इसका नाम भी देखो क्या है, वैसे किल फीड में देखो बीलैक नाम के कुछ बंदे पेले गए हैं, और क्या कहें भाई। फिलहाल ये वाली टीम को पेल दिया, एक बंदा और बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ना बिल्कुल इस बंदे के ऊपर रश करता हूँ, और इस बंदे को मैंने निपटा भी दिया, और क्योंकि ये आधे अधूरे हो रखे थे सारे के सारे। देखो मैंने इसी बिल्डिंग के अंदर दूर से एक बंदे को मारा था, तो वो पूरा फिनिश हो गया था। तो समझ सकते हो भाई यहाँ पे जो है दो दो तीन तीन टीमें आपस में लड़ रही थी, और सारे के सारे जो है अधूरे हो रखे थे, मतलब किसी का कोई बंदा नोक था, किसी का कोई बंदा नोक था, तो किसी को कहीं मारा, किसी को कहीं मारा, और कुल मिला के यहाँ पे दो ड्रॉप थे, उन दोनों पे अपने का कब्जा हो जाता है। और यहाँ पे ना हमने अच्छी खासी लूट कर ली थी। फिलहाल बात यहाँ से निकलने की, और एक और दिखता मेरे को, इसको भी निपटा दिया। अब यहाँ पे मेरे टीममेट के पास भी लूट हो चुकी थी, और मेरे पास भी लूट हो चुकी थी, तो बाइक में जाते अपन सीधा पोचिंग की लैंड करते बाइक से। और यहाँ पे ना अब देखो जरा ये वाला सीन देखो आप, अब हमने सोचा कि ये बोट है, ठीक है, अब बोट सोच के यहाँ पे हम रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली बात है। और यहाँ पे दो लोग थे जो कि मेरे एक बंदे को निपटा देते, और मेरे को इसको बचाना था, एक सामने से आ रहा था, एक मेरे पीछे था। खैर इसको निपटाया, और तुरंत इसका टीममेट आ जाता है पीछे, पीछे। और भाई बाल बाल बचाया इसको, खैर यूट्यूब वाले सबको पेल दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा टीममेट भी बाल बाल बचा, क्योंकि चांस उसके बिल्कुल भी नहीं दिया, मतलब दो बंदों के बीच में फंस गए थे हम दोनों। खैर यहाँ पे अगेन एक ड्रॉप पे आते हैं, क्योंकि वैसे थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज हो रखी थी, और जैसे यहाँ पे आया ना तो देखो भाई क्या धुलाई होती है यहाँ पे, दूर से लेट के ना कुछ बंदे स्प्रे मारते हैं, और इतना खतरनाक वाला भाई, मतलब क्या जैसे किसी के दुश्मन ही होते ना उस प्रकार से स्प्रे मारते हैं। तो हमने भी ना आगे काफ़ी स्मोक वोक कर दिया, और गाड़ी को पूरा घेर दिया, बट गाड़ी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है यार, तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को आप नहीं सेव कर सकते इतने ओपन में। और मैंने बचाने की भी ट्राई करी, क्योंकि यार थोड़ा बहुत हेल्थ बची थी, लेकिन फिर भी देखो यार क्या यहाँ पे मैंने सोचा अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, मैंने देखा ये वहाँ से निकल लेते हैं, तो मैं इनका पीछे करता हूँ। मेरे को लगा कि सामने वाले घर में होंगे, लेकिन उस घर में ये वाले बंदे नहीं थे, सो उस घर में कोई और ही बंदे थे। तो अपन यहाँ पे रुके, अब मेरे को यहाँ पे ये बगी दिखे, तो समझ गया था बंदा तो यहाँ पे है, मतलब वो गाड़ी मूव कर चुकी है कहीं और, लेकिन यहाँ पे अलग बंदा है भाई, एक बंदा ऊपर भी है। वो कैसे तैसे करके इस बंदे को निकलाया, लेकिन एक और टीममेट था, मतलब इसका टीममेट नहीं था, वो कोई और ही बंदा था जो कि हम पे स्प्रे कर रहा था, और वो सामने वाली बिल्डिंग में था। अब मेरे टीममेट के ऊपर फोकस रखना प्लीज़, इसके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि हमने बोला, मैंने बोला कि भाई दो अलग गाड़ी में, मैं अलग गाड़ी में जाता हूँ, और सामने जो है इस बिल्डिंग के ऊपर रश करते हैं। अब फ्लैंक के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से मैं तो एकदम सेफ पहुँच गया यहाँ पे। अब बारी थी मेरे टीममेट की, और देखो उस बंदे को जरा क्या होता है, बंदा सीधा लैंड करा उसके ऊपर, और बेचारा फिनिश हो जाता है। बट मैंने इसको सोच लिया था भाई, मेरे टीममेट को फिनिश किया, इस बंदे को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, और वाकई में इस बंदे को ना दौड़ा के मारूंगा मैं, अगर नहीं मारूंगा ना तो फिर मतलब वीडियो बंद कर देना यहीं पे। पहला नेट फेंका मैंने जहाँ पे ये बंदा था, वहाँ से दौड़ा इस तरफ आया, अब दूसरा नेट फेंका मैंने बिल्कुल इसी तरफ, और यहाँ पे भी ये नेट ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे दौड़ा ये वापस उस कमरे में, वहाँ से वापस दौड़ा ऊपर वाले कमरे में, नीचे मैंने नेट फेंक दिया, तो
तो मजबूरन उसको ऊपर जाना पड़ा। अब मैं ऊपर ही नेट फेंकूंगा और जैसा कि मैंने कहा था भाई, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा इस बंदे को। और मैंने वो चीज़ कंप्लीट भी करी और इस बंदे को ख़त्म कर दिया। अब देखो, जिस बिल्डिंग से हम आए थे ना, अभी भी एक बंदा मारा, याद है आपको? पिछली वाली बिल्डिंग में एक बंदा मारा, उसके बाद यहाँ पे आए, इसको मारा। हालांकि मेरा टीममेट यहाँ पे मारा जाता है, लेकिन वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरे को लगा कि यहाँ पे गाड़ी है क्योंकि मेरे में फ्यूल नहीं था, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, डब्बा निकला। और अब मेरे को याद आता है कि वो जो पीछे वाली बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे हमारी एक बगी लगी हुई थी। उस बगी को लेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। 10 बंदे बचे हैं, जिसमें से अगर 5-6-7 भी मार दिए ना तो अपना काम बन जाएगा, 20-22 किल हो जाएंगे। मैं बगी लेने के लिए पहुँचा, यहाँ पे मुंह पे 2 बंदे उतरते भाई। और यार यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि एक सेकंड की कमी थी वहाँ पे उस बंदे को मारने में। मैंने अपना एम हटा के कवर के अंदर जाने की सोची। मतलब जब आप ऐसे मरते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा झटका लगता है, सबसे ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा आप मतलब रेग्रेट करते हो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। मतलब देखो, एक तो मैं मुँह पे उतरा, मेरे को नहीं पता था वहाँ पे बंदे, मैं तो बगी लेने के लिए गया था वहाँ पे। बट जैसे वहाँ पे उतरा, एक बंदा आगे से आया, दूसरा बंदा पीछे से, और मेरे को तो पता भी नहीं था वहाँ पे बंदे हैं। बट आगे पीछे से जैसे दोनों आए, तो मैंने एक बंदे को तो जैसे तैसे करके निपटा दिया। दूसरे बंदे ने पीछे से ऑलरेडी फायर कर चुका था, मैंने फिर से एकदम झटके से उसको भी मारा, मारने की ट्राई करी, डैमेज कर दिया था, ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना एम हटा के कवर में जाने की सोची, क्योंकि रिलोड आ रहा था ऑलमोस्ट। बट जो भी हो यार, ये वाली गेम प्ले में मज़ा आया, होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर सबको भाई मज़ा आया तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट आपका सबसे बेस्ट था। इसके अलावा आप लोग सपोर्ट कर सकते हो भाई सब्सक्राइब करके, सो प्लीज़ उस सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सो प्लीज़ उसको ग्रे करो, सपोर्ट करो। एंड इसके अलावा जो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा भाई जो है पबजी मोबाइल से रिलेटेड छोटी मोटी अपडेट्स, जैसे जैसे मेरे को बैक से पता चलती है, जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ मेरे को ऑफिशियल से पता चलती है, और अगर वो शेयर करने वाली चीज़ होती है तो मैं आपके साथ उसको जरूर शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो वहाँ पे तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।